अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शाजिया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गार्डन में हमारे क्या क्या आ रहा है। हमने अभी कुछ टाइम पहले भुट्टे के पौधे लगाए थे, बहुत अच्छे हो गए थे, माशाल्लाह से भुट्टे भी आ रहे थे। तो ये वीडियो मैंने शूट करी थी 2 दिन पहले। तो आज गार्डन में आ चुके हैं बंदर और वो सारे भुट्टे के पौधों को बिल्कुल खा चुके हैं। सिर्फ कुछ ही पौधे बचे हैं जिसमें सिर्फ एक आध भुट्टा लगा है, तो वो भी हमने हटा दिया है। उसमें 1-2 भुट्टे निकले हैं, तो वो मैं गार्डन में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्रेड से रसमलाई किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ स्वीट रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम यहाँ गार्डन में आ चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और देखिए अब मैं ये दिखाती हूँ। अच्छा मौसम हो रहा है, धूप नहीं है ना। ये दिखा दीजिए क्या आ रहा है। ये क्या चीज़ है दिखाइए। ये भुट्टा। क्या आ रहा है ये? भुट्टा। भुट्टा आ रहा है। अच्छा, भुट्टे तो बड़े अच्छे हो रहे हैं। वाओ, ये देखो भुट्टे। और बताइए क्या क्या आ रहा है। तो फ्लावर वाला होगा ये। और ये कौन सा है, ये पता है आपको? ये वाला, ये कांटे वाला, ये नींबू का है। नींबू वाला ये। ये भी नींबू वाला है। ये है करी पत्ता। करी पत्ता वाला, करी पत्ता है ये। और हाँ, ये नीचे वाला ये है तुलसी। हाँ, तुलसी है आपको पता है? हाँ। अरे वाह। और ये वाला कौन सा है? ये तो मम्मा को खुद भी नहीं पता कौन सा है। तो आप देख सकते हैं पहले भुट्टे वाले जो पौधे थे कैसे थे, और अभी देखिए ये बंदरों ने क्या हालत करी है, किस तरह से सारे पौधों को तोड़ दिया है। इतने अच्छे भुट्टे आ रहे थे, ये बड़े होते तो भुट्टे बहुत अच्छे से हो जाते, पर अभी बस सारे अब ये निकाल दिए हैं भुट्टे वाले, कुछ भी नहीं बचा। तो ये भी हमें पौधों को हटाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप सारे में किस तरह से बंदरों ने खाया है। तो अब ये थोड़े से भुट्टे ही निकले हैं इसके अंदर से, ये 4 भुट्टे निकले हैं। तो अब इनका तो कुछ होना नहीं है, इन्हें साइड में ही रख देते हैं। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं किचन में और अपनी स्वीट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड से रसमलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 0.5 लीटर के करीब मिल्क लिया है, और थोड़ा सा मिल्क हमने इस बाउल में ले लिया है अलग। ये हमने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, आप फ्रेश लें बिल्कुल, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये 4 स्लाइस ले लिए हैं। और यहाँ ये हमारी है मलाई, जो दूध के ऊपर हमारी ये मलाई जमती है, ये मैंने वो मलाई ली है, फ्रेश है एकदम। और ये हमारा है मिल्क पाउडर, ये हमने शुगर पाउडर लिया है। तो नॉर्मल जीनू को आप मिक्सी के जार में पीस लें और बन गया आपका शुगर पाउडर। यहाँ मैंने कुछ ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ते, चिरौंजी और ये मींगे। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा मिल्क है, इसमें हम थोड़ा सा मिल्क इस बाउल में ले लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1, 2, 3, 4 इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बाउल मेरा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा आप बड़ा बाउल ले लें। तो हम इसको पहले मिक्स कर, आप चाहें तो डायरेक्ट मिल्क पाउडर दूध के अंदर भी मिला सकते हैं, इसमें ज़्यादा वाले में थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से इसमें मिक्स करके तब मैं उसमें ऐड करूँगी। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए ये अच्छे से मिल गया है इसके अंदर, अब हम इसे इसी में ऐड करेंगे।
तो ये हमारा मिल्क पाउडर इसमें ऐड हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो हमने इसमें 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर, 3 टेबल स्पून हम शुगर पाउडर लेंगे, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं आपको कितना मीठा पसंद है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल देते हैं, बादाम, चिरौंजी, पिस्ते और ये मेवे। इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हम ये स्लाइस लेंगे और इसे साइड से कट कर लेंगे। सिर्फ हमें ये बीच वाला जो पार्ट है वो लेना है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे, इस तरह से सारे पीसेस को आप कट कर लीजिएगा। तो हमने ये सभी ब्रेड को कट कर लिया है। अब हम इसको 2 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से इसको डबल करना है, ठीक है। तरह से आप लगा के रख लीजिए इनको। इस तरह से सारे पीसेस कट कर लीजिए। तो हमने यहाँ सभी पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। यहाँ लेंगे हम ये दूध वाली क्रीम, अच्छे से इसको फेंटेंगे। इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1, 2, 3, 4 2 स्पून करेंगे हम ये शुगर पाउडर, 1, 2 अच्छे से इसको मिलाएंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमने यहाँ ये 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क लिया है और इसको अच्छे से गरम कर लिया है। बहुत तेज़ गरम भी नहीं करना है, लेकिन आप गुनगुना इसको कर लीजिएगा। अब हम इसमें केसर ऐड करेंगे थोड़ी सी, ये देखिए इस तरह की। इतनी सी हमें इसमें केसर ऐड करनी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब जो हमारा ये वाला मिल्क था इसमें हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, अच्छे से इसको मिलाएंगे। इसे भी हम साइड में कर देते हैं। और ये हमारी जो क्रीम थी और इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड करा था, ये हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम ये इस तरह से बैठ के बीच में लगाएंगे, इस तरह से इसको पूरे पे लगा के ऊपर से ये लगा देंगे। तो सारे पीसेस पे हम इस तरह से लगा देंगे। ये Yeah.
सभी पीसीस पे लगा लीजिए। तो हमने ये सभी पीसीस पे लगा लिया है, इसे भी हम साइड में कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध, कि हमने केसर हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे इसमें सारे ऐड कर देते हैं। अब ये जो ब्रेड वाली स्लाइस हैं, इसके ऊपर इस तरह से दूध के अंदर इसको डिप करेंगे। चाहे तो आप इस तरह से डाल दीजिए, या इसमें बाउल में इस तरह से करके आप डाल रख सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है, आप इस तरह से करके सारे पीसेस को निकाल लीजिए। अगर आप डायरेक्ट इन ब्रेड को इसमें डालेंगे तो ये जितना भी हमारा दूध है ये सारा ये ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसलिए हम ये अलग से इसमें डिप करके इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो सभी पीस हमने दूध में डिप करके निकाल लिए हैं। अब हम एक एक पीस करके इसमें इस तरह से डालेंगे। तो ये अब हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से आप अगर अचानक से मेहमान आ गए हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप ये जल्दी से ब्रेड से रसमलाई बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो हमारी अब ये ब्रेड से रसमलाई बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आपने देखा है कितनी आसानी से बन जाती है ये। और अगर आपके घर में जल्दी से कोई मेहमान आ गए हैं और स्वीट डिश के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ये आसान सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, मिनटों में बन जाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।